अस्सलाम वालेकुम। तो यार मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपकी आ चुकी है। जो लोग कह रहे थे अली भाई वन प्लस ट्वेल्व पे वीडियो बनाएं, जो वन प्लस के फैंस हैं वो कह रहे थे कि अली भाई वन प्लस ट्वेल्व आज के टाइम पे गेमिंग के लिए कैसा है और इसमें जो टच सैम्पलिंग है, आप कोई भी वन प्लस की डिवाइस यूज़ कर रहे हो ना, आपको यकीन करो ये सेटिंग नहीं पता होगी टच सैम्पलिंग को इंक्रीज़ करने की। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, इजी हो जाओ सारा कुछ। इसमें मैं आपको टच सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने का तरीका बताऊंगा, बाकी जो इसकी सेटिंग है वन प्लस में, जो सेटिंग्स होती हैं आपके पास कोई भी वन प्लस की डिवाइस है उसमें जो सेटिंग्स होती हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की, वो भी मैं आपको सारे कुछ इसमें दिखाऊंगा और एफपीएस मीटर के जरिए दिखाऊंगा इसमें। और आपके पास कोई भी वन प्लस की डिवाइस है तो उसमें एफपीएस मीटर को इनेबल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार एक भाई ने मुझे कमेंट किया है आपके सामने, ये देखो। तो ये भाई कह रहे हैं 70K तक कौन सा मोबाइल लूँ, पीटीए या नॉन पीटीए, जल्दी रिप्लाई करो। यार देखो यार कसम से, वैसे ये भी प्यार की निशानी है यार। एक बंदे ने मुझे भेजा कि यार आपको ऑर्डर क्यों देते हैं। मैंने कहा यार ये भी एक प्यार की निशानी है, इनको पता है कि अली भाई रिप्लाई करता है। तो वैसे एक मैं आपसे बात पूछूं, किसी और को भी इस तरह ऑर्डर देते हो किसी और यूट्यूबर को, ये सिर्फ मुझे ही देते हो? तो बहरहाल मसला नहीं है, आप ऑर्डर दे के पूछो या फिर वैसे प्यार से पूछो, आपको पता है मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है? रिप्लाई तो मैं वैसे भी आपको कर देता हूँ, मसला कोई नहीं है, ठीक है? आप सब भाई हो हमारे। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको वन प्लस की प्राइस बता देता हूँ वन प्लस ट्वेल्व की। तो ये 230K तक मेरा दोस्त जो है ना वो पीटी अप्रूव बॉक्स पैक लेके आया है, ठीक है? मतलब कि बॉक्स साथ था, सारा कुछ साथ था। और अभी मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताने लगा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें इनेबल कर लीजिएगा। कोई भी आपके पास वन प्लस की डिवाइस है तभी टच सैम्पलिंग जो है ना वो 640 हर्ट्ज़ पे जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे होता है मेरी जान के रोटे, जब आप टच ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे तो हाइपर रेस्पॉन्स इंजन इसको आपने ऑन कर देना है। और दूसरा जो ऑप्शन है मिस टच प्रिवेंशन, इसमें से कोई भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे होता है टच सेंसिटिविटी, इसको आपने दोनों को 100 कर देना है, ठीक है? अब भी आपका टच सैम्पलिंग जो है ना वो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा, मतलब कि 640 670 के ऊपर भी चला जाता है इसका टच सैम्पलिंग, 1000 नहीं है लेकिन 670 के ऊपर चला जाता है। बाकी इनमें से आप कुछ भी चेंजिंग ना करिएगा, ठीक है? ये कोई इतना कोई जीपीओ सेटिंग में। और नीचे एक चीज़ होती है भाई सिस्टम स्टेटस का, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टच ऑप्टिमाइज़र के नीचे क्विक सेटअप और सिस्टम स्टेटस का, इसको जब आप ऑन करेंगे ना तो आपको एफपीएस मीटर ये दिखाएगा, ठीक है भाई? ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, बाकी आपने कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी। और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि द वन प्लस 12 एंड 12 आर बोथ सपोर्ट 1000 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग रेट बट एज वन प्लस हैज़ कैप्ड 80 to 240 हर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है कि वन प्लस 12 और 12 आर दोनों ही 1000 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वन प्लस ने ना मतलब कि यहाँ पे 240 हर्ट्ज़ पे इसको रोक के रखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं ना मोबाइल को, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में समझाया, जब आप नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो 240 हर्ट्ज़ पे काम कर रहा होता है। अगर नॉर्मल यूज़ में भी वो 1000 तो खैर नहीं है, 640 हर्ट्ज़ है, मैंने खुद टेस्ट करके देखा है, लेकिन वो 640 हर्ट्ज़ भी अगर आपके मतलब कि नॉर्मल यूज़ में वो चलने लग जाए तो उससे बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी। इसीलिए जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो जितने भी बड़े मोबाइल कंपनीज बनाने वाली हैं, अगर उन्होंने टच सैम्पलिंग दिया हुआ है ना 940 हर्ट्ज़ या फिर 660 हर्ट्ज़, तो वो सिर्फ गेमिंग के दौरान ही आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल यूज़ में वो ऑटोमेटिकली ही 240 हर्ट्ज़ पे मोबाइल शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई? आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। और अभी अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस को लेके, तो भाई ये डिवाइस एक मतलब कि परफॉर्मेंस में एक बीस्ट डिवाइस है, ठीक है? स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है। तो यार एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ इसको कंपेयर मत करवाना। आप कुछ लोग हैं जो वन प्लस लवर हैं, कुछ लोग हैं जो आईफोन लवर हैं, ठीक है? सारे कैटेगरी के लोग यहाँ पे वीडियो को देखते हैं। तो जो लोग आईफोन लवर हैं तो वो तो मतलब कि उनकी एक अलग कैटेगरी है, ठीक है? ये जो वन प्लस लवर हैं उनके लिए तो एक ये बीस्ट डिवाइस है, ठीक है? और ये एक फ्लैगशिप कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा आप इस पे टूर्नामेंट खेलना चाहते हो, ठीक है, क्लासिक के, टीडीएम के, कूलिंग फैन के साथ, तो आपको लाजमी बातें ज़रूरत तो पड़ेगी। तो कूलिंग फैन आप लगा लेना, और कूलिंग फैन लगा के आप इसमें गेमिंग मतलब कि आप टूर्नामेंट्स वगैरह खेल सकते हो, तब भी ये डिवाइस बीस्ट किस्म की है। तकरीबन 110 से ऊपर FPS रहते हैं नॉर्मल जो क्लासिक आप खेलते हो, ठीक है, उसमें कूलिंग फैन लगा के। ये तो मैं कूलिंग फैन के बगैर खेल रहा था। और अगर आप क्लासिक टूर्नामेंट्स खेलते हो तब आपके FPS जो है ना वो 100 से थोड़े से नीचे आते हैं कभी कभी, वो जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रॉप करते हो, क्योंकि क्लासिक टूर्नामेंट्स के जो मैचेस होते हैं वो बहुत हार्ड किस्म के होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सारे ही डिवाइसेस के FPS ड्रॉप होते हैं, तो इसके भी होते हैं। और अगर आपको कैमरा के लिए भी एक परफेक्ट डिवाइस चाहिए तो ये कैमरा के लिए भी परफेक्ट है। आप व्लॉगिंग कर सकते हो, आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, कुछ भी मतलब कि हर चीज़ इसमें पॉसिबल है जो आपकी सोच है ना, जो आप करना चाहते हो कि हम गेमिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा गेमिंग रिकॉर्ड करके मैच खेलो, कुछ करो, ठीक है? ये एक बेस्ट डिवाइस है, कैमरा भी बेस्ट है।
और वन प्लस की तरफ से एक बीस्ट डिवाइस है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगली वीडियो एक दो दिन में इंशाल्लाह मैं इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है टीटीएम में, उससे भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा आपको इसके बारे में सारा कुछ मैं एक एक चीज़ समझा दूँ, ठीक है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। बाकी चीज़ बचती है कनेक्टिविटी टीटीएम में, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो यार जितने भी लोग न्यू देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यार लाजमी से कर देना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।